कमलनाथ जी, आपने इमरती देवी का भरे मन से अपमान कर दिया पर माफी नहीं मांगी। चुनाव आयोग ने 48 घंटे में आपसे जवाब देने के लिए कहा। आप जवाब में कहते हैं कि मैं 80 के दशक से राजनीति कर रहा हूं, मैं यूनियन मिनिस्टर रहा हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, मैं पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूं। जी हां, आप रहे हैं। और अफसोस इसी बात का है कि 80 से राजनीति करने के बावजूद, 80 से राजनीतिक जीवन जीने के बावजूद, आपको ये नहीं पता कि महिला की गरिमा क्या है, आपको ये नहीं पता कि संवैधानिक शब्द कौन से हैं, आपको ये नहीं पता कि आप एक महिला का इस तरीके से भरे समाज के सामने अपमान नहीं कर सकते। आप स्टेज पर खड़े होकर भरी सभा में सिर्फ इसलिए एक दलित महिला का अपमान करते हैं क्योंकि वो दलित है। आप उसका सिर्फ इसलिए अपमान करते हैं क्योंकि वो गरीब है। आप उसका अपमान सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो मजदूरी कर आगे बढ़ी है। और आज तो मुझे और भी आश्चर्य होता है, एक तरफ आपकी दलित महिला विरोधी मानसिकता, दूसरी ओर आपका घमंड इतना ऊपर कि आप जैसा उद्योगपति अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा को भी ट्विटर हैंडल से गायब कर देता है। वही राष्ट्रीय अध्यक्षा जो राजस्थान के कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर हैं, जो पंजाब के ट्विटर हैंडल पर हैं, जो दिल्ली के ट्विटर हैंडल पर हैं, पर क्योंकि आप अपने घमंड में इतना चूर हैं कि आपने आज समाज को, प्रदेश को, देश को ये बता दिया है कि आप महिलाओं के कितना विरोधी हैं, आपकी असली मानसिकता क्या है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।